डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, टोल टैक्स की दरों में अभूतपूर्व वृद्धि को लेकर बार एसोसिएशन ने दिया डीएम कार्यालय पर ज्ञापन। कहा, लंबा लायक दान झेलने से जनता पहले ही परेशान, इस वृद्धि से हुई बुरी तरह त्रस्त। बताया, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी टोल टैक्स में की गई बेतहाशा वृद्धि। फिरोजाबाद बार एसोसिएशन फिरोजाबाद द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, टोल टैक्स की दरों की अभूतपूर्व बढ़ोतरी के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित। ज्ञापन दुबई स्थित डीएम कार्यालय पर दिया गया। ज्ञापन में अवगत कराया गया कि भारत की जनता भारत सरकार की गलत एवं जन विरोधी नीतियों के कारण पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, टोल टैक्स में आए दिन होने वाली अभूतपूर्व बढ़ोतरी से बुरी तरह त्रस्त है। देश की जनता कोरोना संक्रमण के कारण लंबा लायक दान झेलने से पहले से ही काफी परेशान थी और रोजी रोटी के संकट से अभी तक संभल भी नहीं पाई थी। इसके बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगी होने से प्रत्येक व्यक्ति के घर का बजट बुरी तरह से बिगड़ गया है। पेट्रोलियम पदार्थ में वृद्धि होने के कारण परिवहन एवं माल भाड़ा महंगा होने से रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली दैनिक वस्तुएं बहुत महंगी हो गई हैं। चारों तरफ महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। भारत सरकार देश की गरीब जनता की जेब से पैसा निकालने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। देश की जनता को चौराहे पर नंगा करके खड़ा कर रही है। यदि भारत सरकार की जन विरोधी नीतियाँ जारी रही तो देश की जनता भोजन के अभाव में कुपोषण का शिकार हो जाएगी। बार एसोसिएशन इन नीतियों का कड़ा विरोध करती है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल टैक्स में बेतहाशा वृद्धि करती है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के साथ अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। सरकार द्वारा लगातार लॉकडाउन के बाद पेट्रोलियम पदार्थों पर हो रही वृद्धि और टोल टैक्स में जो अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है उसके संबंध में अधिकता उसका प्रजोर विरोध करते हैं और जनता पर महंगाई की मार नहीं पड़े, इसके लिए आज महामहिम के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। बारिश में फिरोजाबाद इस कीमतों का और टोल टैक्स की जो कीमत बढ़ी है उनका विरोध कर रही है।